Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss your 7th class English worksheet number 29 dated 20th yani ki 20 January 2021. My dear students, name of the student mein aap apna naam likh lenge, name of the class teacher mein likhna hai class teacher ka naam. If you are asked to राइट योर सब्जेक्ट टीचर नेम, फिर लिखिए अपने इंग्लिश टीचर का नाम अगर आपको बोला गया है, ठीक है. चलिए डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब. हमने पहले से ही पढ़ा था जो पिछली वर्कशीट आई थी हमारी ग्रामर की, जो एडवर्ब होता है वो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करती है कि कैसी है वर्ब, धीरे धीरे चलता है ना, ओकेजनली खाता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये होती है हमारी एडवर्ब जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करती है. देखिए, एक एडजेक्टिव होता है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एक एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ब होता है जो हमारी वर्ब, देखो इसमें वर्ब जुड़ा ही है, एडवर्ब वर्ब में कुछ जुड़ा हो यानी कि उसकी विशेषता, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है. एन एडजेक्टिव और एन अनादर एडवर्ब, या फिर आप इसको एक एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. अब हमें इन सेंटेंसेस को, जो ये आगे वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें केयरफुली यानी कि ध्यान से पढ़ना है. तो चलिए पढ़ लेते हैं. द कार मूव स्लोली. हाउ डिड द कार मूव, तो एक सेंटेंस है कार मूव स्लोली, कार धीरे धीरे चलती है. कैसे चलती है, हाउ डिड द कार मूव, कैसे चलती है कार, स्लोली. तो स्लोली क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ मैनर, किस तरीके से चलती है, स्लोली स्लोली चलती है. तो एक होता है एडजेक्टिव ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये आपकी एडवर्ब कौन सी है, स्लोली, ये है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है. आई सो अ नोटबुक देयर, मैंने वहाँ पे एक नोटबुक देखी, एक जो एक क्या देखी, एक कॉपी देखी, तो कॉपी, वेयर डिड आई सी ए नोटबुक, कहाँ पे देखी मैंने, देखी तो, लेकिन कहाँ पे देखी, देयर, तो देयर क्या हो गया, देयर क्या बता रहा है हमें, देयर बता रहा है प्लेस, किस जगह पे देखी, है ना, वेयर का आंसर आया ना. सी वन द रेस यस्टरडे, उसने कल रेस जीती, तो क्या आया, वेन डिड सी विन द रेस, कब जीती, ये तो बता दिया हमने जीती, पर कब जीती, तो इसमें जो यस्टरडे आया है, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे हमारा बता रहा है वर्ब को, और कौन सी वर्ब बता रहा है, ये सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम, हाँ सही है, कौन सी बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, किस टाइम पे, यस्टरडे. दे गो आउट फॉर लंच वीकली, वो वीकली लंच के लिए जाते हैं. हाउ ऑफन डू दे गो फॉर लंच, ये तो पता चला कि वे लंच को जाते हैं, लेकिन अगर वीकली नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता है, कैसे कब कब जाते हैं, तो ये हमें पता चला वीकली यानी कि फ्रिक्वेंसी, कि कब कब जाता है ना, फ्रिक्वेंसी कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, तो ये होता है फ्रिक्वेंसी. योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तो हाउ ब्यूटिफुल इज ड्रेस, सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर है, तो ये एक्सट्रीमली लगाया तभी तो पता चला कि हमें बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो इस तरीके से हम एडवर्ब लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स. आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके जरूर देख लेना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. देन वी अंडरस्टैंड दैट एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द मैनर, अब हमें समझ आया, जो एक एडवर्ब होती है हमें बताती है कि वो किस तरीके से, मतलब वो वर्ब जो हुई है वो किस तरीके से, वो कहाँ से कैसे हुई है, या फिर उसकी जगह क्या थी, या उसका टाइम क्या था, या उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, या उसकी डिग्री क्या थी एक वर्ब की, है ना, ये हमें यही बताती है एडवर्ब, कि जो वर्ब है वो या तो कहाँ पे हुई है, या किस टाइम हुई है, कब कब होती है, या किस तरीके से हुई है, और या फिर एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं. देखिए बच्चों, ये इसमें चार्ट दिया गया है काइंड ऑफ एडवर्ब का, इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है. इसको चाहे मत बनाइए, क्योंकि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, अगर आप वर्कशीट सॉल्व करते हैं तो फिर आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. कौन कौन सी हमारी एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, जैसे सी वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलती है, एडवर्ब ऑफ टाइम,
कि वो कल आएगा, है ना। ही केम, ही विल कम यस्टरडे, है ना, ही विल कम टुमोरो, सॉरी वो कल आएगा। तो ये टाइम बता रहे कब आएगा, कल आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो दिल्ली जाएगा, है ना, वो जाएगा कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है, ऑफन ऐसे होता है, तो ये क्या होता है, ये होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए अब क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। अब आपको खाली स्थान भरना है एक सुटेबल एडवर्ब के, जो आपको ये बॉक्स दिया गया है, हेल्प बॉक्स। अब इस हेल्प बॉक्स में से आपको ढूंढ के यहाँ पे एक वर्ब लिखना है और उसके नाम आगे लिखना है कि वो कौन सी एडवर्ब है। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं, ही ईट्स हिज लंच कामली, वो अपना जो लंच है वो कामली खाता है, धीरे धीरे खाता है। तो ये तो हमारा हो गया पहले का। रमेश टेक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पीता है, कब पीता है, ओकेजनली पीता है भाई, कभी कभी पीता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे आप लिख देंगे ओकेजनली। तो ओकेजनल की स्पेलिंग क्या होती है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई। तो ये कौन सी है, ओकेजनली, है ना। तो ये हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी। तो ये है एडवर्ब, देखो यहाँ लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भर देंगे ये वाला, यानी कि ये, सॉरी ये जो आपका दूसरा है इसमें आप ओकेजनली भरेंगे, ये दूसरा था ये आपका, ये पहला था। तो आप ओकेजनली लिखने के बाद यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ ओकेज, छोटा नहीं लिखा जाता बच्चों इससे, क्योंकि ये आपका फिंगर से लिखा जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई। और ये कौन सी है, ये है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ आर ई क्यू यू ई एन सी वाई, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। द वाटर ऑफ रिवर वॉज राइजिंग, जो पानी है जो उसका वाटर का, तो वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, ग्रेजुअली, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसमें भर लीजिए ग्रेजुअली, जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई। तो ग्रेजुअली क्या हो गया बच्चों, ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, बता रहा है कब कब कैसे कैसे होता है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट लेक्चर सोल लिसन टू इट, तो इसमें क्या आएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है और लिसन टू इट कामली, इन्हें कामली आना चाहिए या केयरफुली, आप इसको ध्यान से सुनिए। तो केयरफुली कौन सी वर्ब होगी आपकी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो आप इसमें, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझसे ना बच्चों इसमें छोटा नहीं लिखा जाता। तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगी, आप इसमें मैनर लिख दीजिए। सी विल बिगन टू डांस, तो वो जल्दी ही क्या करेगी, सून, तो इसमें आप सून भरेंगे। और ये कौन सी आपकी एडवर्ब हो गई, ये होगी आपकी टाइम की, ठीक है, ये है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसमें आप टाइम लिख देंगे। उसके बाद आई कैंट फाइंड हिम, मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, कैसे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका सून था फाइव, ठीक है, तो इसमें भी हम सून लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये केयरफुली वाला ये फोर था, अब इन्होंने एक कम दिया है, क्योंकि इसमें दो आ जाएंगे आपके सून, इन दोनों में आप सून लिख देंगे और ये दोनों टाइम है, ठीक है। तो ये हो गई आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, होपफुल वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगी। आप अपना होमवर्क अच्छे से करना और बच्चों चार काम जरूर करना, लाइक करना वीडियो को, अगर आप नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, अगर या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। एक अपना प्यारा सा कमेंट, आपको वीडियो कैसी लगी या आप क्या चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है तो वो लिखना भी ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।